ओके सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके साथ कई सारे फाइनेंशियल फ्रॉड हुए हैं, आपके साथ राखी सावंत ने किया है, आदिल दुरानी के साथ आप लोग कुछ बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे, क्या है थोड़ा सा आप दोनों बताइए, पहले आपका नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम भूपेश डुलेरा है, टैटू आर्टिस्ट हूँ मैं, टैटू गुरु करके मेरी शॉप है दादर में, और ये मेरी वाइफ है, ये भी टैटू आर्टिस्ट है, दिशा भानुशाली इनका नाम है। हम लोग टैटू के मतलब मिले थे लोखंडवाला में, गए थे एक शॉप देखने के लिए टैटू का, कि वहाँ पे अच्छा स्कोप वगैरह लग रहा था, तो जब दुकानें देख रहे थे तो नेल आर्ट स्टूडियो में राखी सावंत जो है वो बैठी हुई थी, तो इनको फ़ोटो खिंचाना था, मुझे भी खिंचाना था, तो हम लोग खड़े होकर बात किए, तो बोली क्या कर रहा है, मतलब टैटू के लिए आए, तो बोली ठीक है मेरा टैटू रिमूव करना है, अगर तू करके देगा तो जो इनका स्टाइल है तेरे को वर्ल्ड में फेमस कर दूंगी, तो मैं बोली ऐसा, तो मैं बोला चलो सही है, फिर फ़ोन की बोली मैं आऊँ क्या यहाँ पे तेरे स्टोर पे, फिर बाद में बोलते वापस वॉइस मैसेज भेजा आपको मैं सुना दूंगा, ये काम कर तू तेरा मशीन लेके ना घर पे आ जा। फिर हम लोग उनके घर पे गए, घर पे गए तो वो भी वापस कॉन्वर्जेशन एक घंटे थे, हम लोग एक डेढ़ घंटा था, जो टैटू रिमूवल को भी थोड़ा टाइम लगता है, तो हम लोग ने टैटू रिमूव किया उसका, तभी पूछी कि क्या कर रही, तो बोली मेरी एक जगह है कोकिला पेन हॉस्पिटल के सामने, वहाँ पे 1200 स्क्वायर फीट की है, बोले वहाँ पे तू टैटू शॉप का कर पार्टनरशिप में, नेल आर्ट का कर, जगह को 3-4 लाख रुपए में अच्छे से बना देते, अपन पार्टनरशिप करते, कॉन्ट्रैक्ट बनाते, तुम लोग 3 साल तक मेरे साथ में काम करने का। तो मैं बोला अरे ये तो सही है, तो बोली अच्छा चमका तो मैं सलमान वगैरह को बुलाती हूँ, उनके लिए तो सलमान खान एकदम नॉर्मल लाइट वे में बोले, तो मैं तो खुश हो गया, तो आदिल और लोग तभी काफ़ी अच्छे थे वो लोग साथ में, तो उसने बोला कि काम कर टोकन लेके फिर बात कर, तो मैंने 1 लाख रुपया टोकन लेके आके दे दिया उनको, ये 1 लाख रुपीज़ दिया 50-50 हज़ार का 2 बंडल तक, कि अभी काम शुरू करते हैं ठीक है। फिर उसके बाद में उसने बोला कि और दे अभी, तो मेरे को एक्सपेक्टेशन था 3-4 लाख रुपया बोल ली थी तो 5 लाख तक होगा, तो मैंने 4 लाख का चेक दे दिया आदिल के इस पे अकाउंट में। उसने बोली कि मेरे अकाउंट में थोड़ा GST वगैरह का प्रॉब्लम है, तो काम कर आदिल के अकाउंट में डाल दे, ऐसा वैसा करके मेरी 3-3.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है। अभी देखो उसके घर पे बैठ के हमारा सब बात वगैरह हुआ था, अभी वो जो फेमस वाला उसने जो डायलॉग मारा था स्टार्टिंग में कि मैं देखो वर्ल्ड में फेमस कर दूंगी, रील 10 मिलियन गया था, मेरे को भी काफ़ी लोगों ने बोला अरे सही है तेरा तो एंड ऑल, तो मैं भी थोड़ा मुझे होप आया कि काम करते, एक रील बनाने से इतना हुआ है, अभी आगे चल के ये तो पार्टनरशिप का बोल रही है, तो बहुत अच्छा ऑफर है, किधर छोड़ना है, प्रॉफिट में से देना है ना, जो भी आधा आधा होगा। तो उसने भी पूछा कितने का बिजनेस है, मतलब 3-4 लाख रुपए का है, 3-4 लाख में 1.5-2 लाख रुपए उसको देना पड़ता था, 1.5-2 लाख मेरे को, तो उसने बोला कि अपना टीम वगैरह स्टार्ट कर, टीम पूरा अच्छे से बना, तो हम लोगों की तो टीम थी 6-7 लोगों की। अभी मैं उसको बोला कि इसको खाली वॉलपेपर लगा दे, कारपेट लगा दे, ख़त्म कर दे। अभी उसने बोला कि ये बाथरूम है, सलमान आएगा तो बाथरूम सामने ही आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं बोला कि ज़्यादा खर्चा ना मत करो, शॉर्टकट में निपटाते, तो मैं बोला बाहर मेरा भी दोस्त है मेरे को कंसेशन में करके देगा, वो बोले आदिल की टीम सबसे अच्छी है, आदिल की टीम सबसे अच्छी है, आदिल इज़ द बेस्ट, जैसे वो स्टार्टिंग में उसको प्रमोट कर रही थी, बोले आदिल इज़ द बेस्ट। तो मैं बोला चलो अच्छी बात है, अभी वो भरोसे लायक भी है, अभी वो लोग जब जा रहे आ रहे तो भी अच्छे जगह से, मतलब अच्छी गाड़ियों में लेके जा रहे हैं, अच्छी गाड़ियों से आ रहे हैं, अच्छे सोसाइटी में रहती हैं। हाँ उसका नाम ख़राब था नो डाउट, मेरे को मेरे दोस्तों ने भी बोला, मेरे को मेरे घर वालों ने भी बोला, लेकिन एक लाइफ का रिस्क मैंने सोचा चांस लेने में क्या जा रहा है, लेकिन फिर पैसा 5 लाख के बाद में उसने बोली और 50-50 करके देते जा, फिर 1 लाख दिया, फिर और 1 लाख दिया, फिर बोले आदिल बोलता 10 लाख का कोटेशन तेरा पहुँच रहा है, ताकि बोलते अभी क्या करे ऊपर नीचे तो होते रहता है ना। मैं बोला नीचे किधर हुआ, ऊपर हुआ है, तो 7.5 लाख जिधर तक पहुंचा, तो वापस उसने 2 लाख मांगा, मैं वहाँ पे रुक गया, मैं बोला पहले एग्रीमेंट बनाते हैं, पार्टनरशिप डीड क्या है, इसके बाद में मैं 2 लाख दूंगा, तो बोली कि नहीं तो पहले 2 लाख दे। वहाँ से पलटी चालू हुआ, वहाँ से हमारा झगड़ा वगैरह चालू हुआ। फिर मैंने क्या किया, उसके शॉप पे मैं घुस गया, मेरा शॉप का जो भी सामान वगैरह रहता है, टैटू रिमूवल मशीन, फिर उसके बाद में बेड रहता है, चेयर्स रहता है, फ्रिज था, मेरे कपड़े थे, मेरा टैप था, आईपैड बोलते जिसको, तो ये सब लेके मैं पहुंचा। मैं बोला मैं तो इधर ही करूँगा। अब वो उसको उसी में अभी कैसा है, डांस क्लासेस भी था आदिल का जो शोरूम का, उसको वो कार्स वगैरह बेचता है, उसी में था, जगह थी बड़ी, इक्वली डिवाइड हो सकती थी सबके बीच में, और वही बात हमारे बीच में हुई थी कि आप उन लोग सब मिलके करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे। अब मेरा पैसा लग रहा था तो मैंने बोला अब मेरा इतना पैसा लगा मैं तो हटूंगा नहीं यहाँ से, तो वो बोली मैं लड़के लोग भेजूंगी, तेरे टांग तोड़ डालूंगी, जो तेरे को करना है तू कर ले। आदिल और तभी वो लोग भी एक थे, तो आदिल ने भी मुझे गाली दी, मैंने भी उसको गाली दिया, राखी ने भी मुझे उल्टा बोला, मैंने भी उल्टा बोला, मैं बस खाली अभी बोला मेरे लग गए पैसे, तो वो क्या बोल रही है कि अभी जब मेरे पास कोई गिरैक आएगा इसका, या तो तू मेरे को गिरैक ला के दे दे, मैं तेरे को उसमें से पैसा दूंगी। मैं तो घुसने को मैं बोला मैं हिलूंगा नहीं वहाँ से। फिर उसने मेरे को पुलिस से फ़ोन करवाया कि मैंने उसको जान से मारने की धमकी दी,
तो मैं बोला वो पुलिस मेरे पे भड़क रहा है, मुझे बोलता है कि तूने देख ऐसा नहीं चलेगा, तू किसी को भी सेलिब्रिटी को ऐसा नहीं बोल सकता वैसा नहीं बोल सकता। मतलब अगर मैंने किया है ना तो मैं स्टेशन पे आने के लिए तैयार हूँ, आपका सबूत है ना मेरे पास, तो मैंने जो जो बात किया है हर चीज़ का मेरा वॉइस रिकॉर्डिंग है, सब चीज़ उसके कॉन्वर्जेशन, ऐसे ही तो मेरे को नंबर मिला नहीं उसके साथ में, मैं पुलिस स्टेशन में आके देने के लिए तैयार हूँ। तो वो बोला मिल के अपन बैठ करते हैं। फिर कल परसों नरसों तो उसके बीच में आदिल और उसका झगड़ा में गया था उसके घर पे लास्ट में, तो उधर पे जा रहा हूँ तो वो उनके ही झगड़े चालू है, ये बोल रहे कि मेरे को मीडिया में बताने कि हमारी शादी हो गई, आदिल बोल रहे कि मत बता अभी, तो लोग एक घंटे का जो भी था मैं वहाँ पे बैठा हुआ था। फिर उसका कुछ लॉन्ड्री का था तो वो बोल दी कि मेरे लॉन्ड्री के भी पैसे दे दें, मतलब ऑलरेडी 7.5 लाख रुपये दे के बैठा हुआ है, अब तुम मेरे को बोल दिया 50-60 रुपये ये लॉन्ड्री का भी दे दे, अब मैंने तो तेरे को गोद तो लिया है नहीं ना यार, और तो लगा दिया मैंने जगह पे पैसा, कमाते हैं तो उसमें से मैं देता, तेरी जगह तेरा ब्रांड, तू नामचीन तू सेलिब्रिटी जो भी है लोग आते तो एक अलग पार्ट था, अब मैं तो देते ही जा रहा हूँ भी क्यों गुजराती अपन इन्वेस्ट करते फेस देखते। हाँ मेरे से सबसे बड़ी गलती एक ये हुआ कि मैंने उसके बोलने पे गया, उसका जो भी है नाम वगैरह ब्रांडिंग वगैरह उसके हिसाब से गया, दूसरा मैंने आदिल के अकाउंट में पैसा डाला। अब आदिल बोलता है राखी से ले, राखी बोलती है आदिल से ले, अब मैं किससे लूँ, मेरे को भी एग्जाम पुलिस स्टेशन में भी गया तो वो बोल रहे कि आदिल के अकाउंट में तूने पैसा डाला, डील मेरी और राखी की हुई है, तो उसने पहले दिन से अपना दिमाग सेट बना दिया, हमारे मुंबई के लैंग्वेज में धूर बोलते या फिर जो भी इसको बोलते क्या बोलते बकरा बोलते या मराठी में कोमड़ी बोलते, तो ये तीनों भी मेरे लिए शायद से डिजर्विंग वर्ड है। तो उसको जब मेरे को से देखा तो बोला कि हम सामने से तो कोमड़ी आया है, जितना गोश्त इसका निकाल सकते आप उसको निकाल दे। और मैंने एक और एक कहावत सुनी, वो शाड़ा कौवा जो गू खाता था, मेरे को लगता है शायद तो कौवा मैं तो नहीं बन गया, मेरे में वो दादा डिजर्विंग है। अभी हंसी आ रही, चलो हो गया हो गया, गलती हो गई, अभी क्या कर सकते हैं। बहुत लोगों की राय वगैरह मिल रहे कि अभी कैसा करना है आगे पोल, जैसे कि आप लोगों के सपोर्ट से उधर तक पहुँचा, उसने मेरे को अभी रिसेंटली कॉल की थी, मेरे को बोली अभी करते हैं पार्टनरशिप पे बात कर, ऐसा है अभी मैं उससे मिलने जाऊँगा। मैं सबसे पहले तो मीडिया पे आके बात इसलिए कर रहा हूँ कि अगर मैं कल गया फॉर एग्जाम्पल, मेरे को तो मिलना पड़ेगा, अभी मेरे को ये तो नहीं बोलना किसी को कि मैं उसके साइड हूँ या मैं आदिल के साइड हूँ, मेरे को तो दोनों से मिलना है, आदिल से भी मिलना है, इससे भी मिलना है, पुलिस स्टेशन में भी आना है। कल वो मेरे को ना बोलते कि भाई मैंने उसके ऊपर रेप किया पहली बात तो, या मैंने उसको मारा या फिर जो भी ये सब एलिगेशन, जैसे जान से मारने की धमकी भी है, कंप्लेंट है, अगर वो भी मेरे पे लग जाता तो आदिल के पहले मैं चले जाता। अरे उनकी बाद में आके आदिल मिलता, उनका एक फोन गया तो हमको फोन आ गया था, हमारी तो ऑलमोस्ट एक साल होने को आया, कंप्लेंट ही रजिस्टर नहीं हो रही है। ये है थोड़ा, आप प्लीज़ पुलिस के ऊपर प्रेशर डालिए, अम्बोली पुलिस स्टेशन में ये मैटर चालू है, मैंने लिख के भी दिया हुआ है, लेकिन वो सर जिनका है तबीयत खराब है, अभी फिर से मैं वापस से एप्लीकेशन अप्लाई करने वाला हूँ, वो आदिल के वकील के थ्रू भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं, वो सर नीरज जी है वो भी मुझे हेल्प कर रहे हैं, तो बेस्ट टू बेस्ट अभी पुलिस से वो आएगी अपना स्टेटमेंट देगी, वो आती नहीं है और ना हम आदिल के साइड है ना राखी के साइड है, वो क्लियरली है उन दोनों को, जैसे लोग हमें बहुत लोग बोल रहे हैं कि अरे आप तो आदिल के साइड ले रहे हो, नहीं दोनों हमें मिले थे तब दोनों हस्बैंड वाइफ थे और आज हम लोग भी हस्बैंड वाइफ है, बिजनेस झगड़े होते हैं नो डाउट, पर वो चीज़ें हम हमारे क्लाइंट के साथ नहीं करते, हम इंसानियत रख के अच्छे से देते हैं क्लाइंट को सर्विस, तो सेम हम भी उनको ऐसा है कि तुमको इतना ही है ना कि राखी मैडम क्या बोलते हैं आदिल पे डाल रही है, आदिल राखी मैडम पे डाल, कोई ये नहीं, दोनों मुझे आधे आधे अमाउंट के चेक दे दो, जैसे कि 7,30,000 है ना, और जो मेरा माल 1 लाख का जो फेंक जो हमारा वहाँ पे जगह पे बेड वगैरह यूज हुआ है वो हमें, फ्रिज भी मेरे को लगता है घर पे लेके गई रहेगी अच्छा खासा था फ्रिज, था छोटा था मस्त एकदम क्यूट सा, क्या जरूरत है, अभी तो बोलती है तो 300 करोड़ की है, या मैंने रिसेंटली कोई तो इंटरव्यू में लिया था ऐसा, फेंक के मार दे मेरे को 7.5 लाख, समझ ले तूने 3 बाल कहीं के फेंक के निकाल के मार दिए मेरे को, तेरे 3-4 बाल 7 लाख रुपए के रह गए, भेज दे तू 300 करोड़ की है। अरे इतना, क्या हाँ, है? तुम इतना शूट करते हो, इतना है तुम्हारे पास पैसे, तो हमारे पैसे हमने है ना सुबह उठ के मेहनत करके बहुत अच्छे से कमाए है, इंसानियत है तो प्लीज रिटर्न कर दो, थोड़ी तो रखो, जैसे आप बोलते हो ना अल्लाह भरोसा रखो, ये लोग ने हमें हमारे तो टाइम पे कैटलिक थी हो, अभी रिसेंटली मेरे को बोली, मेरा कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुआ था तो मेरे को बोली चल चल मैं तेरे को ठीक कर देती हूँ, ये तो वो भी सुनो, तो हमारे टाइम पे वो कैटलिक थी, अभी फिलहाल तो वो आई थिंक मुस्लिम का कर रही है, अभी मेरे बाद अभी इसको कोई गुजराती मिलेगा तो वो गुजराती हो जाएगी, तो टोटल वो कॉकटेल का कॉम्बिनेशन है, आदिल को अभी 4 हस्बैंड, उसकी मम्मी गुजराती, ये बोलती है मैं कैटलिक हूँ, हस्बैंड ये अपना मुस्लिम है, फिर अभी क्या बन रही है, फिर उसका तो एक्चुअली में वो मराठी है वो सावन, तो अभी क्या बोलने का अभी उसके बारे में,